इसराइल की सेना बदले की आग में इस कदर जल उठी है कि अब ये आग गाजा को हर एक सेकेंड में दहला रही है। गाजा में कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है जहां पर आसमान से बम या रॉकेट न गिर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ इसराइल के करीब 1,00,000 सैनिक गाजा पर जमीनी आक्रमण की तैयारी में हैं। हालांकि इसराइल ने गाजा का बिजली, पानी, फ्यूल, खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया है, लेकिन इस सब के बीच इसराइल की टॉली गॉटलीव सांसद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि अब इजरायली सेना को गाजा पर परमाणु बम का इस्तेमाल करना चाहिए और उनकी इस मांग से ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये युद्ध भयानक रूप ले सकता है। जेरिको मिसाइल एक रणनीतिक चेतावनी। इससे पहले कि हम अपनी सेना को तैनात करने पर विचार करें, एक प्रलय का हथियार, ये मेरी राय है। भगवान हमारी सारी शक्ति बनाए रखे। और टॉली गॉटलीव के इस ट्वीट से एक बार फिर इसराइल के परमाणु हथियारों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल इसराइली सांसद ने जिस जेरिको मिसाइल का जिक्र किया है वो इसराइल की बैलिस्टिक मिसाइल है। हालांकि ये परमाणु मिसाइल है या नहीं इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ऐसा माना जाता है कि अपनी स्थापना के बाद से ही इसराइल परमाणु बम बनाने में लगा हुआ था। हालांकि अभी तक उसने परमाणु बम बनाने की बात कबूल नहीं की है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसराइल ने परमाणु हथियार ना होने की बात से इनकार भी नहीं किया है। और अब टॉली गॉटलीव का इजरायली सेना से गाजा पर जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल दागने की मांग करना कई सवाल खड़े करता है। क्या जेरिको मिसाइल ही इजरायल का परमाणु हथियार है? क्योंकि टॉली गॉटलीव ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा है कि फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह से निपटने के दौरान इसराइल को निर्दयी होने की जरूरत है। केवल एक विस्फोट जो मध्य पूर्व को हिला देगा, इस देश की गरिमा, ताकत और सुरक्षा को बहाल करेगा। ये प्रलय का दिन चूमने का समय है। आपको बता दें कि जेरिको इसराइल की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसराइल ने साल 1960 में इसे पहली बार बनाया था। मौजूदा समय में इसराइल के पास इसके 3 वेरिएंट हैं। पहला जेरिको 1, दूसरा जेरिको 2 और तीसरा जेरिको 3 है। दिलचस्प बात यह है कि इस मिसाइल का नाम बाइबल के शहर जेरिको के नाम पर रखा गया है। इसराइल ने अपने अधिकतर हथियारों को काफी गुप्त रखा है और यही वजह है कि जेरिको मिसाइल के बारे में भी सार्वजनिक रूप से बेहद ही कम जानकारी उपलब्ध है। जेरिको मिसाइल इसराइल की शाविट और शाविट 2 अंतरिक्ष स्पेस लॉन्च व्हीकल का एक डेरिवेटिव है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेरिको 1 500 किलोमीटर तक की दूरी तक 400 किलोग्राम विस्फोटक से हमला कर सकती है। ये मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। जेरिको 2 मिसाइल 1,770 किलोमीटर की दूरी तक परंपरागत और परमाणु हथियार से हमला कर सकती है। और ऐसे में इजरायली सांसद टॉली गॉटलीव का जेरिको मिसाइल का जिक्र करना इस बात की तस्दीक करता है कि इजरायल के पास परमाणु हथियार हैं। हालांकि इजरायल ये बात साफ कर चुका है कि अगर यहूदियों और इजरायल के अस्तित्व पर खतरा आता है तो वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल आखिरी विकल्प के रूप में करेगा।